सर हम लोग लास्ट क्लास हम लोगों ने एक ज्योमेट्री बनाई थी, बड़ी बनाई ज्योमेट्री थी, यहाँ पे ज्योमेट्री क्लिक करके रन स्ट्रक्चर पे जाकर हम जाएंगे, और रन स्ट्रक्चर पे जाकर जाने के बाद अपनी खुद की बिल्डिंग यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेम मॉडल्स पे क्लिक किया, और ये लास्ट क्लास हमने लिया था फ्रेम लेने के बाद हमने अपनी बिल्डिंग को एडिट किया था। सपोज अभी हमारा लेंथ फिट से आप यहाँ लेंथ को 9 रखा, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ अलार्म पे ये 3 रखा, और ये हाइट हमने 12 रखा, और ये हाइट हमने 4 रखा, और इसको भी हमने 9 कर दिया अपने हिसाब से एडिट करके, और इसको हमने 3 कर दिया। आफ्टर इट हमने इसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक बिल्डिंग आ गई यहाँ पर। अब इस बिल्डिंग को हम ले चलेंगे वहाँ पर, और उसकी लाइक इसके हम लोग लोड वगैरह डालेंगे। तो यहाँ पे एडिट पे गया और यहाँ से ऐड टेस्ट मॉडल और यस इसे किया। अब इसके बाद हम लोग इस पे बीम्स और कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर जनरल पे जाना है, और जनरल पे जाके यहाँ पर डिफाइन पे क्लिक करना है, और डिफाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने दे दिया रेक्टेंगुलर, इसको थिकनेस दे दिया, इसको हमने क्या दिया 5.45 × 130 कॉलम का हमने एक स्टैंडर्ड साइज लगा के ऐड कर दिया। फिर हमने बीम का एक स्टैंडर्ड साइज लिया 0.30 × 0, और ये लेने के बाद हमने इसको ऐड किया सर। एंड आफ्टर इट अब यहाँ पे जब ये बीम है, ठीक है, बीम क्या करेगा, बीम यहाँ यहाँ पे होगा तो एक्सिस इसका एक एक्स होगा और जेड होगा, राइट। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट पे जाओ, और सेलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे बीम्स पहले टू एक्स, जैसे आप एक्स करोगे एक्स सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे गए और फिर यहाँ से ले लिया हमने बीम्स पहले टू जेड, हमारे सारे बीम सेलेक्ट हो गए, और यहाँ से हमने फिर असाइन किया और असाइन करके यस। आफ्टर इट यहाँ पे हमने दूसरा कॉलम्स के लिए लिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बीम्स वेलर टू वाई कर दिया, बीम्स वेलर टू वाई किया, और वाई करके हम यहाँ पे असाइन करके जैसे यस करेंगे तो ये भी हमारा लग जाएगा। अब इसके बाद हम सपोर्ट लगाएंगे, तो हमेशा बिल्डिंग में हमारा फिक्स सपोर्ट लगता है, सो सपोर्ट के लिए जस्ट यहाँ पे जाना, एक्सिस बदल लिया जिससे कि एक बार लगाएंगे तो सारे एक्सिस में लग जाएंगे इसलिए। और आफ्टर इट यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से फिक्स सपोर्ट लेके इसको ऐड करेंगे, ऐड किया और ऐड करके जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे असाइन करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें अच्छा खासा सपोर्ट लग गया सब, ठीक है। अब हम लोग इस पर सर लोड लोड लगाएंगे, तो लोड लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे गए लोड एंड डिक्रीसेस पे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ लोड के डिटेल्स पे गया, और यहाँ जाके हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने डेड लोड लिया, और यहाँ पर डेड लोड लेने के बाद डीएल और डीएल लेने के बाद हमने इसको ऐड किया, और एक एलएल लिया, एलएल लेके हमने इसको भी ऐड कर दिया। अभी जैसे सर हमने क्या किया था, जब मूविंग लोड हमें लगाना था, सबसे पहले हमने क्या था मूविंग लोड को डिफाइन किया था, राइट। तो सेम सिचुएशन आपको डिफिनेशन यहाँ पर भी देना पड़ेगा पिन लोड के लिए भी, कोई भी लोड लगाना एक्स्ट्रा वाले जैसे सेस्मिक पेंट या मूविंग, हमें याद रखिए कि सबसे पहला काम यहाँ पे डिफिनेशन पे जाना है, और डिफिनेशन पे जाने के बाद यहाँ पे अब जैसे पिन लोड है तो पिन लोड के लिए पिन डिफिनेशन आ जाएंगे, ठीक है। जब पिन डिफिनेशन लेके हमने यहाँ पर ऐड किया, तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पिन लिया, जो भी हम नाम देना चाहें हमने नाम दे के क्लोज कर, ठीक। और फिर इसके बाद यहाँ पर ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहाँ पर बिंड को आपको ऐड करना है, ठीक है। बिंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे बिंड अलग अलग उसका सिचुएशन होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा 15 मीटर तक 1.5 उसकी इंटेंसिटी रहती है हमारी 15 मीटर तक, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है, बिल्डिंग को बताना पड़ता है कि इसका कितना हाइट है, ठीक है। उसके हिसाब से वो रीडिंग यहाँ पे हमें नोट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेट एज पर किया, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि बिल्डिंग की कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो बिल्डिंग की कैटेगरी ये अपना जो हाईएस्ट कोड है, हाईएस्ट कोड 875, उस पर डिफाइन किया गया है 875 पार्ट 3, ठीक है। तो उस पर डिफाइन किया गया है कि बिल्डिंग की कैटेगरी क्या क्या होती है, हाइट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग की कैटेगरी वहाँ पर अलग अलग चेंज हो जाती है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे बिल्ड की स्पीड देनी होती है कि बिल्ड की स्पीड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग पुणे में यूज़ करते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं 39, ये जोन के अकॉर्डिंग यूज होता है कि किस जोन में आ रहा है, उसके रिगार्डिंग हमारे बिल्ड की स्पीड चेंज हो जाती है सर। यहाँ पे 39 करके यहाँ पे किलोमीटर पर आवर कर देना है, ठीक है। और ये करने के बाद यहाँ पर इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर एक यहाँ लगाया हुआ है बुक्स पे, बुक्स में यहाँ पर आपको आईएस कोड मिलेगा, आईएस कोड 875 की बिल्ड लोड, ठीक है। तो इसको हम जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें पूरी हिस्ट्री दी हुई है इसकी कि कैटेगरी 1 में क्या कितना आता है, कैटेगरी 2 में कितना आता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको याद भी रहना चाहिए कि 875 पार्ट 3 जो है वो बिल्ड लोड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लाइव लोड जो लगाते हैं उसके लिए पार्ट 2 यूज़ करते हैं, और डेड लोड के लिए हमने पार्ट 1 यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसको भी हम लोग अभी देख लेंगे। अब इसके बाद हमने आप ये देने के बाद अब बताएंगे कि ये बिल्डिंग किस टाइप का है। इसको पहले हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेन बिल्डिंग डाटा पे गए, और यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट बताई।
जितनी आप हाइट बताएंगे उसके अकॉर्डिंग ये विंड को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो जैसे अभी इसको मैंने हाइट दे दिया, अभी जो मेरा हाइट था वो आई थिंक 12 था, ठीक है, 12 मीटर था। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 12 किया। अब देखिए इसकी यूनिट जो चल रही है फीट में चल रही है, तो हमें यहाँ पर कर देना चाहिए मीटर, ठीक है, 12 मीटर। अब यहाँ पे लेंथ भी नियर अबाउट आई थिंक 12 था मेरा, ठीक है। तो जितना आपका लेंथ रहेगा बिल्डिंग का वो हम लोग लेंथ देके उसको लेंथ को भी हम लोग डिफाइन कर देंगे कि बिल्डिंग लेंथ नॉर्मल एट द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है हमने क्या कर रखा है, अपने जो शेप है इसको हमने स्क्वायर कर रखा है, तो जितना इधर से आएगा उतना ही इधर से आएगा, मीन्स 12 ही आएगा, ठीक है। तो हमने इसीलिए किया, तो हमेशा ये भी ध्यान देना चाहिए सर कि हम जो भी बिल्डिंग बनाएं उसको कोशिश करें कि ले जाएं उसको स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में ले जाते हैं तो सेसमी के लिए भी अच्छा होता है और अपने विंड के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से फोर्स जो होते हैं हमारे बराबर आ जाते हैं, ठीक। तो ये करने के बाद जस्ट यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपका ये खुद डिफाइन कर देगा। यहाँ पर आपको बताना था यहाँ पे बिल्डिंग है कि क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर टाइप, ये हमेशा ध्यान देना है हमें। अगर हम टावर बना रहे हैं, ठीक है, तो टावर के लिए यहाँ पर ट्रस टावर हो जाएगा, ठीक। अभी जो हम बना रहे हैं वो हमारा बिल्डिंग है, इसलिए हमने यहाँ बिल्डिंग स्ट्रक्चर किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। और इसको करने के बाद हमने यहाँ से ओके कर दिया। अब देखिए अलग अलग हाइट पे अलग अलग इंटेंसिटी है ना, जीरो पर इतना इसका विंड का इतना दिखाया, फिर इसके बाद जब हाइट बॉडी 4 मीटर पर इतना दिखाया, 5 मीटर पर इतना दिखाया, 6 मीटर पर इतना, 7 मीटर, तो ये अपने हिसाब से ही आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि क्या आपका स्पीड आएगा कितनी है, ठीक है। और ये करने के बाद हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहाँ पे फैक्टर डालेंगे 1, ठीक है। अब जैसे कि ये फैक्टर 1 क्यों डालते हैं, 1 मीन्स उतने से मल्टीपल कर देगा। अगर आपको विंड को ज़्यादा प्रोग्राम करना है तो 2 कर दिया, समटाइम्स होता है जैसे सेस्मिक हम लगाते हैं, ठीक है। तो सेस्मिक में हम लोग जो फैक्टर रखेंगे वो 0.8 रखेंगे, क्यों, क्योंकि जो सेस्मिक होगा वो हमारे गेट पे इफेक्ट नहीं कर रहा, वो हमारे बिल्डिंग पे इफेक्ट कर रहा है ना। तो पूरे बिल्डिंग में कम से कम 20% पार्ट ऐसे होते हैं जो सेस्मिक के इफेक्ट में नहीं आएंगे, विंडो है, ठीक है, ओपनिंग है, ये सारी चीज़ें उससे इफेक्ट में नहीं आएंगी, तो वहाँ पर हम लोग 0.8 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फैक्टर 1 दिया, और 1 देने के बाद इसको हमने ऐड करके यूज़ कर। अब सर जो विंड लोड का ये सारा इफेक्ट है ना, ये बीम्स पे नहीं आता, ये नोड्स पे आता है, जॉइंट्स पे, ठीक है। तो मतलब कि जो भी इफेक्ट आएगा वो इस तरह से जॉइंट्स पे, मतलब ट्विस्टिंग पर आएगा, ठीक। तो उसके लिए हमें उसको सेलेक्ट करना, और यहाँ से हमें नोड लेना है, ठीक, और नोड लेके हमको इसको डिफाइन कर देना है। डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद असाइन टू व्यू, सॉरी असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, और असाइन करने के बाद यहाँ पर ऐसा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से हमने क्लिक किया, और क्लिक करके अब जो पुराना हम लोग सेल वेट वगैरह करते आए हैं, ठीक, तो हमने उस सेल वेट को लिया -1.5 को, और इसको हमने ऐड कर दिया। साथ ही हमने फ्लोर लोड को लिया, फ्लोर लोड लेने के बाद यहाँ पर फ्लोर लोड दिया माइनस इसलिए देंगे क्योंकि सर यहाँ पर सारे नोट्स ऊपर से आते हैं, ठीक है। तो -6 के लिए न्यूटन दिया, और रेंज दिया हमने इसको 3 to 12, जो भी हमको रेंज देना है हमने रेंज दे के हमने इसको ऐड कर दिया, और ऐड करके क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर लाइव लोड पर गया, और लाइव लोड पर जाने के बाद यहाँ पर लाइव लोड को भी डिफाइन कर दिया, इसको हमने किया -4 किलो न्यूटन, और इसको हमने किया 0 to 9, क्योंकि ये सब नीचे तक, लाइक आपको जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब ऊपर के लोड में हम लाइव लोड को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ऐड किया, और ऐड करके क्लोज कर दिया। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फिर से लोड के, इसको आपको डिटेल करना पे ऐड कर लेना है। और अब हमारा आएगा विंड लोड, ठीक है। तो यहाँ पे विंड लोड किया, और विंड लोड का जो इफेक्ट आता है वो 2 तरफ से आता है, एक एक्स के तरफ से और एक जेड के तरफ से, मतलब इधर से आएगा और इधर से आएगा, ठीक है। तो हम लोग को विंड लोड को डिफाइन करना पड़ेगा अलग अलग सिचुएशंस, ठीक। तो जैसे हमने विंड लिया, और विंड लेने के बाद विंड अब यहाँ पर डाल दिया हमने पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से आएगा तो क्या इफेक्ट आएगा, उसके लिए हमने ऐड किया। फिर हमने लिया यहाँ पे विंड निगेटिव एक्स, पीछे की तरफ से अगर इफेक्ट आएगा तो क्या होगा इसमें। फिर हमने यहाँ पे लिया विंड पॉजिटिव जेड, जेड की तरफ से क्या इफेक्ट आएगा, इसको हमने ऐड किया। और फिर इसके बाद फिर से हमने लिया, और हमें विंड नेगेटिव जेड। तो इस तरह से हमने 4 डायरेक्शन से, मतलब कि 2 डायरेक्शन से, एक का पॉजिटिव दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर लिया। अब ये करने के बाद सब पे अलग अलग लगाएंगे, जैसे कि विंड लोड एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव में गया तो यहाँ पर ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहाँ पर विंड लोड पर जाएंगे, ठीक है। और विंड लोड पर जाने के बाद एक मिनट अभी सेल वेट को लगा दीजिए, सेल वेट को अब सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके हमने इसको असाइन टू व्यू और असाइन कर दिया, ठीक। और इस तरह से हमने ये देखा, ये हो गया, ठीक। अब हम लोग अपने विंड के अलग अलग इफेक्ट्स पे जाएंगे। विंड पॉजिटिव एक्स लिया, और इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे विंड लोड पे, ठीक।
अगर डिफिनेशन नहीं दिया तो ये सब खुलेगा नहीं बॉक्स, ठीक है। अगर पहले डिफाइन नहीं किया तो ये खुलेगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पॉजिटिव एक्स लिया, पॉजिटिव एक्स लेने के बाद यहाँ पर इसका फैक्टर देंगे। अब पॉजिटिव वेरिएशन में इसलिए इसका फैक्टर क्या होगा, प्लस वन, ठीक है। और इसको जो रेंज देंगे वो रेंज देंगे जहाँ से हमारा फ्लो स्टार्ट हो रहा है, थ्री टू जो ऊपर तक की हाइट है वो हमारा शायद 12 है, तो हमने 12 तक की हाइट ले लिया। और हाइट लेने में जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने 12 लिया या 9, तो आपको चेक करना होगा कि कितनी हाइट है। फिलहाल तो 12 है, चेक करना है कि इसकी हाइट कितनी है। तो उसके लिए यहाँ पर नोड होता है, ठीक है। ये नोड क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी बता देगा। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर बता रहा है कि वाई एक्सिस में हम 12 लेंगे, ठीक। अब जैसे कि बीच का हमें किसी किसी का डाइट मान लीजिए, इसका आपको डिटेल जानना है, इस पर क्लिक करेंगे तो बता देगा कि वाई में इतना चले आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं नहीं नोड आता है एक्चुअली, आपने यहाँ पे बीम कर्सर रहता है, ठीक है। तो बीम कर्सर रहेगा तो क्या होगा कि ये सेलेक्ट होगा, नहीं मतलब जो नोड लिए ना, हाँ वो वैल्यू नहीं दिखा रहा। अच्छा हाइट है क्या है ये शो नहीं। ओके, आपका लैपटॉप यहाँ पे है, ये जो सॉफ्टवेयर है। ओके ओके, अभी हम देख लेंगे इसमें कुछ सेटिंग्स ऑफ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी सेटिंग होती है, वो सेटिंग यहाँ पर राइट क्लिक करके लेवल्स पे आते हैं। आप लोग को भी हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे लेवल्स पे, ठीक है। और लेवल्स पे जाने के बाद ऐसे नोड पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और नोड नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी अपने आप दिखाता रहेगा, ठीक है। माइट बी ये ऑफ हो, ठीक है। अभी हम चेक कर लेंगे कि उसमें क्या ऑफ है हमारा, तो उसके रिगार्डिंग आने लगेगा। तो ये क्या करता है, हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है सर के भी, जैसे यहाँ पर हमें क्या क्या सिचुएशन है, एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, और जेड से कितना दूर है। तो अब हमें क्या होगा, अब हमें यहाँ पर लोड लगाना आसान हो जाएगा कंपेयर टू अगर नहीं दिखाता, ठीक। तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हमने प्लस दे दिया और यहाँ पर इसको रेंज दे दिया, ठीक। अब इसको हमने क्लोज किया, फिर यहाँ पर गए हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में ऐड किया, और यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने विंड पे क्लिक किया, विंड पे क्लिक, अब ये निगेटिव है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वन दिया, माइनस वन देने के बाद यहाँ पर थ्री किया, और थ्री करने के बाद यहाँ पर 12 दिया, और 12 देने के बाद हमने ऐड किया और ऐड करके क्लोज कर दिया। अब हमारा इसका भी इफेक्ट हो गया, इसका भी इफेक्ट आ गया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इनके इफेक्ट्स को। अब इसके बाद यहाँ पे गए सर, यहाँ पे बीट जेड जेड डायरेक्शन में गए, और इसके लिए अब हमारा जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, वो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा जेड, जेड फेस हो गया ना हमारा, जेड फेस करेंगे। और यहाँ पर फिर हम इसको रेंज दे देंगे 3 to 12, और ये इसको हमने ऐड कर दिया और ऐड करके क्लोज कर दिया। अब बस एक डायरेक्शन में और देना है माइनस जेड, और यहाँ पर करने के बाद यहाँ बिल्ड पे दिया, दिस इज नहीं बोलना सर, और यहाँ पे दिया हमने माइनस वन, माइनस वन देने के बाद यहाँ पे थ्री किया और ये हमने दे दिया 12। इस तरह से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया, अपने बिल्ड लोड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमारे अलग अलग रेंजेस आए, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो बिल्ड का इफेक्ट है वो देखिए किस तरह से आ रहा है हमारे बिल्डिंग पे। देखिए बिल्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये हमारा आ रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक। फिर से हमने इस पर क्लिक किया तो अब क्या किस पे आ रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक। अब यहाँ पे फिर हमने जब जेड पे किया तो देखिए इधर से आ रहा है इफेक्ट, और फिर यहाँ पे क्लिक किया तो ये इधर से आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से हमारे बिल्ड का अलग अलग इफेक्ट आएगा। बिल्ड का इफेक्ट जानना जरूरी होता है सर, सबसे ज़्यादा तो चलिए छोटी बिल्डिंग में तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी टावर की डिजाइन कर रहे हो, किसी ब्रिज की डिजाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर बिल्ड बड़ा ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेन जो लोड होता है वो बिल्ड होता है, इसलिए हमें करना ही करना है। तो हमने फिर इसके लिए हमने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर ऑल ऐड और क्लोज कर दिया, ठीक है। और फिर हमारे पुराने स्टेप्स हैं रन एनालिसिस, और यहाँ पे जब हम लोग बिल्ड लगाते हैं तो हमारे जो लोड होते हैं वो भी सर हमारे चेंज हो जाते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे लोड आते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया, जीरो एरर और जीरो वार्निंग आ गया इसका। तो अब इसके जैसे मान लीजिए ये डिजाइन मान लीजिए कि एक RCC का डिजाइन है, और इसका हम लोग अगर डिजाइन करना हो तो डिजाइन कैसे करें, ठीक। तो डिजाइन करने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको बंद कर देते हैं, ठीक। और अब मान लीजिए इसको हमको डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए यहाँ पर डिजाइन पे क्लिक करना है, ठीक। और डिजाइन पे क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टील की डिजाइन बाई डिफॉल्ट चलता रहता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है कंक्रीट की डिजाइन, क्योंकि ये कंक्रीट की बिल्डिंग है। और कंक्रीट पे डिजाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंक्रीट का कोड डालना है, तो इससे कंक्रीट का कोड होता है IS 456, ठीक है, IS 456 होता है। तो इस कोड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आपका खुद से वैल्यू लेना स्टार्ट करता है और लेके डिजाइन करने के लिए तैयार करता है, ठीक। तो हमने ले लिया IS 456, ये IS 456 आपको स्टडी करना होगा, तो हमने आप IS 456 प्रोवाइड किया है। IS 456, ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट, इसको अगर करना है आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, IS 456 लिया, और ये लेने के बाद सेलेक्ट पैरामीटर पर क्लिक किया।
अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें लाइक ऑलरेडी हैं, ठीक है। इसमें हमको सब कुछ डिफाइन नहीं करना है, जैसे कि क्लियर है, क्लियर मतलब कवर होता है, कवर इसलिए होता है सर, जैसे आपने देखा होगा बीम्स के ऊपर जहाँ पे स्टील खत्म होती है उसके आगे तक सीमेंट लगाया है, दैट इज योर कवर, ठीक है, वो कवर होता है, ठीक है। तो कवर हमारा बाई डिफॉल्ट ये ले लिया क्योंकि हमने हाई स्कॉर्सिस दिया, तो इसलिए 25 से 30 25 30 खुद से स्टैंडर्ड ले लेगा, उसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ डिफाइन करना है यहाँ पर एफ सी अपना, ठीक है। यहाँ पे एफ सी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हमारे स्ट्रेंथ हमारे कंक्रीट की सॉरी हमारे जो कंक्रीट है उसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे लेना है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, जो हमारा स्टील डालना है उसका क्या यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को लेना है और लेने के बाद इसको, ठीक। फिर यहाँ पर हमने डिफाइन पैरामीटर पर क्लिक करना है, डिफाइन पैरामीटर पर वही चीज आएंगी जो आप यहाँ पर लाइक हमने ले रखा है, लाइक हमने लिया सेलर पैरामीटर में एफसी लिया था, तो आप देखिए क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट और यहाँ पर एफवाई लिया, यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेन स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली जो हम लोग जो हमारे लाइक हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो हम लोग डालते हैं, तो जो जनरली इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग रखते हैं वो रखते हैं 25,000 अकॉर्डिंग टू ISO, ठीक। तो आपको 25,000 कर देना है और 25 करने के बाद आपको इसे ऐड कर देना है, और फिर इसके बाद इल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट और स्टील। अब ये सबका अलग अलग होता है, मैक्सिमम जो हम लोग बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं वो 415000 यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 और जैसे हमारा ब्रिज है तो ब्रिज में हम लोग 500 यूज करते हैं, मतलब कि 500000, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग इल स्ट्रेंथ होता है हर एक स्टील का, और ये लेने के बाद हमने इसको ऐड किया और ऐड करके क्लोज कर दिया, और इसको ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कमांड, ठीक है, कमांड्स पे क्लिक किया, और कमांड्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिजाइन बीम, हम लोग बीम का भी डिजाइन करना चाहते हैं तो हमने इसको ऐड कर दिया बीम के डिजाइन को, ठीक है। फिर डिजाइन कॉलम, कॉलम के डिजाइन को भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे डिजाइन स्लैब है, अभी स्लैब हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लोग पढ़ेंगे कि स्लैब को कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। अगर स्लैब भी होता है इसमें पड़ा होता तो उसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक। अब हमने एक टेक ऑफ कर दिया, टेक ऑफ मतलब जितना सब कुछ लगाया सबको एक साथ यूज कर लो, ठीक है, टेक ऑफ कर दिया। आप देखिए क्या दिया, प्रिंट द टोटल वैल्यू ऑफ द कंक्रीट वेट ऑफ स्टील एनफोर्समेंट बीम्स कॉलम सब कुछ मिला देना है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, ऐड करके और क्लोज कर दिया सर, इतना सुना है। ये हम डिजाइन कर रहे हैं बिल्डिंग का। इसके बाद हमने यहाँ पे एफ सी लिया, और एफ सी लेने के बाद इस तरह से सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद ये सब पे लगा दिया इसको, ठीक। एंड आफ्टर इट एफ वाई लिया, एफ वाई भी हमने सारे पे लगा के ऐड कर दिया, और फिर डिजाइन बीम। अब डिजाइन बीम में क्यों लोग केवल बीम को सेलेक्ट करना है, तो बीम को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट पे गया और यहाँ से हमने लिया एक्स, फिर यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके जाने के बाद यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है, हमारे सारे बीम सेलेक्ट हो गए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे असाइन कर दिया इसको। फिर डिजाइन कॉलम लिया, और डिजाइन कॉलम लेने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद बीम पैलेस टू वाई, ठीक, और ये करने के बाद यहाँ पर असाइन करने के बाद यहाँ पर, इस तरह से हमने सारे अपने जो भी हमारे स्टैंडर्ड कोड्स थे अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हमने सब कुछ लगा दिया सर, और लगाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एनालाइज करके रन एनालिसिस कर देना, इस तरह से हमारी बिल्डिंग की जो पूरी की पूरी लाइक डिजाइन है वो कंप्लीट कर देना, ठीक। अब यहाँ पर जब देखेंगे यहाँ पर व्यू आउटपुट फाइल पे, तो यहाँ पे आउटपुट फाइल के अलावा भी हम लोग यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाकर मेरी जल्द देख लेंगे, पहले चलते हैं इधर देख लेते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के, और यहाँ पर हमने डन कर दिया, ठीक। और अभी देखिए यहाँ पे बीट का भी हमारा इफेक्ट ऐड है, ठीक है, अगर आपको बिंड का भी इफेक्ट देख के ऐड करना है तब तो ओके है, अगर नहीं देखना तो आप इनको मत ले जाइए, तो इसको हम लोग इधर क्यों ले जा सकते हैं अगर जिसका अलग अलग देखना है, बट हम चाहते हैं कि हम सबका देखें, ओके, ठीक है। अब इसमें हमने लोड भी डाला है, ठीक है, तो हमारे सारे रिजल्ट सर आ जाएंगे इसमें, तो रिजल्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सब पे हमारे रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो हमारे जो एक्स के जो रिएक्शंस हैं, वाई पे जो रिएक्शंस हैं, और लाइक एक्स की तरफ से जो रिएक्शंस आया वाई की तरफ से और जेड की तरफ से, ठीक है। फिर यहाँ पर एम एक्स एम वाई और एम जेड, ठीक है, एम एक्स एम वाई और एम जेड मतलब मोमेंट ऑन एक्स मोमेंट ऑन वाई मोमेंट ऑन जेड, इसके क्या क्या इफेक्ट्स आए वो भी हमें यहाँ पे दिखाएगा सर, और साथ ही साथ यहाँ पे इसके यहाँ पर गया बीम्स, बीम्स पे जाएंगे तो बीम्स के लिए अलग अलग उसके स्ट्रेसेस दिखाएंगे हमें कि बीम्स पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पर जैसे आप स्ट्रेस पे क्लिक करोगे दिखा नहीं रहा पूरा, यहाँ पे उसका ग्राफ दिखाता है सर, ये ग्राफ्स, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अब जैसे हमने इस बीम को सेलेक्ट किया तो देखेंगे तो इसका जो एम जेड है जो मोमेंट ऑफ जेड है, ठीक है, वो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे जो इसका दिखाएंगे एफ वाई, ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ वाई वाई डायरेक्शन जो हमारा इसका फोर्स दिखाएगा वही है, और एक्स डायरेक्शन जो दिखाएगा वही है। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है ना बिंड लोड, यहाँ पर दिखा रहा है बिंड लोड, ठीक है, यहाँ क्यों बिंड लोड दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिया बिंड लोड, मतलब जब बिंड का इफेक्ट रहेगा तो हमें ये रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक।
अगर हमने नॉर्मल इस पर डेड लोड किया है और डेड लोड करके देखेंगे तो ये हमारा ये देख रहे जीरो अब दिख रहा है हमारा जो मोमेंट दिख रहा है कितना दिख रहा है 6.14 और ये हमारा जो दिख रहा है ये दिख रहा है 6.596 ठीक है। तो सर ये वेरी करना चाहिए वेरी इन द सेंस कि इतना अगर ग्राफ के ऊपर जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट में जा रहा है दैट मीन कि हम लोग उसमें जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल गलत यूज़ कर रहे हैं ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसके पहले डिजाइन करते हैं फिर डिजाइन करने के बाद फिर और भी बहुत सी चीज़ें जैसे आप रिपोर्ट पर इसके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट ऐसे भी आप देख सकते हो आपको व्यू आउटपुट फाइल में स्टैड आउटपुट तो यहाँ पर हम लोग रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दे देगा कंक्रीट डिजाइन ठीक है। यहाँ पर कंक्रीट डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने यूज़ किया था क्या सर यूज़ किया था M25 FE415 और FE415 में यूज़ किया था ठीक है। यहाँ पे साइजेस हमने आपको बताया था ना कवर ये खुद से यूज़ कर लेगा ठीक है। और हमने यहाँ पे बीम के जो साइज़ दिया था वो 300 टू 300 दिया था ये हमारी साइजेस आ जाएंगे सर इसकी।